हेलो गाइस, दिस इज श्रुति एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मस्कारा एंड मसल्स। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सो आज की वीडियो जो है उस टॉपिक पे मैं पिछले एक साल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। आई वांटेड टू बट इट नेवर हैपेंड, बट आई थिंक इट्स द राइट टाइम नाउ, क्योंकि मैंने खुद अपनी इनफैक्ट जर्नी में बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है। सो मैं आप सबके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ। सो द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ हाउ टू लुक गुड ऑल द टाइम एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लुक गुड ऑल द टाइम। आई नो ये बहुत ही टची टॉपिक हो सकता है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट आई एम ओपन टू ऑल द कॉमेंट्स। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। Briefly tell you why is it important to look good, and then we'll discuss how can you. I will give you some suggestion, tips and hacks on how you can look good. So first of all, I want to start with saying that there are people who think that looking good is a very superficial thing. Appearance ko itni importance dena is a very superficial thing, but trust me, it does not make you a bad person. In fact, it makes you बेटर पर्सन बिकॉज यू वॉन्ट बेटर फॉर योर सेल्फ। आपने देखा होगा आप लाइफ में अपने लिए इतनी सारी चीज़ें अच्छी चाहते हो। सो अच्छा दिखना भी अपने लिए कुछ अच्छा चाहना ही हुआ। सो इट्स नॉट अ सुपरफिशियल थिंग फर्स्टली। सेकेंडली इसके पीछे भी एक बहुत मेजर रीज़न है कि क्यों आपको अच्छा लगना चाहिए। वो ये है कि आपने नोटिस खुद किया होगा, जब आप अच्छा लगते हो तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, आपकी पर्सनालिटी में एक आपको शिफ्ट दिखाई देगा, आपके एटीट्यूड में आपको एक शिफ्ट दिखाई देगा, आप ज़्यादा ईजिली लोगों को अप्रोच कर सकते हो, कैन बी ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल इफ़ यू आर लुकिंग गुड एंड यू आर फीलिंग गुड। सो इट हैज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो having more confidence is not superficial, right? It is a good thing for your own self. So that is why I believe that looking good is very important, and looking good all the time is also important. So again, it's your own choice. I am open to whatever like comments you have against this. I am okay, open to discussion. But हाँ, ये मेरा खुद का opinion है कि आपका जो मतलब mood होता है उस पर भी depend करता है कि आप कैसे dress up हो रहे हो या आप कैसे लग रहे हो। But overall, my point is not about you like improving your dressing sense or fashion sense or anything. It is about feeling good from inside, and be it your skin, be it your clothes, whatever you're wearing, everything, it all matters. It's like a complete package. So मैं actually उस तरफ point out कर रही हूँ। अच्छे दिखने में आपकी skin भी आती है, आपके बाल भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, आपका आपके nails कटे हुए होने चाहिए। All of this is a part of looking good. So that is all about why it is important to look good. And now let's move on to how you can. So the first point is wake up 15 minutes before. So ये जो आपको एक टाइम मिल जाता है जब आप अब तो दुनिया खुल चुकी है तो सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, everybody is on their job, meeting new people. So you don't get so much time to dress up. But if you just wake up 15 minutes earlier, you will have a lot of time to like prepare yourself and wear a proper dress, do your makeup if you want to, or like style your hair. Just that small 15 minutes of buffer time, उसमें आपको अपने आप को और ज़्यादा अच्छा dress up करने का मौका मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो confidence है शुरू से ही दिन के शुरुआत से ही बहुत अच्छा होगा, because you are looking good and you are feeling good. Second is small efforts. So आपको daily basis पे small efforts डालने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको अच्छा दिखना है। आपको अपने clothes को iron करने की ज़रूरत है, आपको laundry करने की ज़रूरत है, अपने clothes को clean करने की ज़रूरत है, अपने nails को cut करने की ज़रूरत है। ये small small चीज़ें हैं जो कि आपको daily basis पे करने की ज़रूरत है in order to look good and be consistent in this practice of like looking your best all the time. Third is exercise. So exercise naturally keeps your blood circulation at a very optimum level, जिसके वजह से आप अच्छे दिखते हो, आपकी skin glow करती है, आप confidence आपके अंदर आता है because आपकी body shape में आ रही होती है, और उस वो करने के बाद आप instantly happy hormones release करते हो जिसके वजह से आप happy लगते हो। So ये सारी चीज़ें आपको
अंदर से अच्छा महसूस कराती है और बाहर से भी अच्छा महसूस कराती है. जस्ट डूइंग 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे कैन एक्चुअली चेंज अ लॉट इन योर अपियरेंस. सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट एज वेल. नेक्स्ट इज डू योर हेयर. सो इसके लिए आपको अगेन थोड़ा सा टाइम निकालने की ज़रूरत है. आप एक तो रेगुलरली अपने बाल वॉश कीजिए एंड उसको आप जब भी बाहर निकल रहे हैं मेक श्योर कि आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं या फिर आप जेल लगा सकते हैं कोई, या फिर आप उसको अच्छे से कोम कर सकते हैं या कोई नया हेयर स्टाइल कर सकते हैं. बट वट एवर यू डूइंग विद योर हेयर मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट एंड नॉट जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट. या फिर ऐसी मैसी से बाल लेकर मत घूमो, स्पेशली इफ यू आर like constantly meeting a lot of new people. So yeah, take time to do your hair as well. Next is do your nails. I have pointed it out before, but again, make sure कि आपके जो nails हैं वो clean हैं, वो dirty नहीं लग रहे हैं, अच्छे से trim कर रहे हैं. अगर आप उसको बढ़ा भी रहे हैं तो भी उसको साफ रखा हुआ है और nail polish भी लगा सकते हैं. Whatever makes you feel good about your nails, do that. But they should always look proper and trimmed if you like. नेक्स्ट टिप इज़ हाइड्रेट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैंने काफ़ी वीडियोज़ में इसको मैंशन करा है. जब आप पानी पीते हैं आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है, वो प्लम्प लगती है और वो ज़्यादा यंग भी फील करती है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो 70% वाटर है. तो जितना आप उसमें पानी डालेंगे उतना ही आपका भला होगा. सो मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली हाइड्रेटिंग योर सेल्फ थ्रू आउट द डे एंड दैट्स हाउ योर स्किन विल ऑल्सो नेचुरली ग्लो एंड लुक बेटर एंड यू विल कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड सो यू विल फील बेटर ऑल्सो. नेक्स्ट इज ईट हेल्दी. आई नो इट्स नॉट अ सरप्राइज दैट आई एम पॉइंटिंग आउट दिस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको अपनी स्किन नेचुरली हेल्दी रखनी है फॉर दैट मैटर देन ईटिंग हेल्दी इज़ लाइक शुड बी अ प्रायोरिटी. जितना आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही बेटर है और जंक फूड को जितना अपने आप से दूर रख रहे हैं वो आपके लिए बेटर होगा. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी डाइट एंड यू आर स्टिकिंग टू इट. नेक्स्ट इज गो टू बेड अर्ली एंड गेट इनफ स्लीप. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अ लॉट ऑफ अस वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आर स्लीप. पता नहीं क्यों, मतलब नींद ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, वरना आप फंक्शन ही नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग एटलीस्ट 6 hours a day, 6 to 8 hours a day एंड गिविंग योर सेल्फ प्रॉपर रेस्ट. और जल्दी जाइए बेड पे और जल्दी सुबह उठिए, ये बेस्ट रूटीन है. इससे आप अंदर से भी अच्छा फील करेंगे और वो आपकी जो बाहर अपीयरेंस है उसमें वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा ही. सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग अर्ली एंड हैविंग अ गुड नाइट स्लीप. नेक्स्ट टिप इज वेयर क्लोथ दैट यू फील गुड इन. सो डोंट ट्राई टू वेयर क्लोथ जिसमें कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिसमें आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है एंड यू आर वेयरिंग मे बी बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और यू डेस्परेटली वॉन्ट टू फिट इन दैट क्लोथ एंड आप उसको ज़बरदस्ती पहन रहे हो. प्लीज़ ऐसा मत करो अपने साथ. वेयर क्लोथ दैट यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड व्हेन यू आर वेयरिंग दैट. एंड एक मैंने ये कहीं चीज़ पढ़ी थी, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट कि यू आर नॉट सपोज टू फिट इन टू क्लोथ्स, क्लोथ्स आर सपोज टू फिट इन टू यू. सो अपने दिमाग से ये वाली जो हमारी एक अंदर वो होती है डेस्परेशन होती है कि हमें कपड़ों के अंदर फिट होना है, उस ड्रेस में मुझे फिट होना है, उस जीन्स में मुझे फिट होना है, वो आप प्लीज़ हटा दो. क्लोथ्स आर सपोज टू फिट ऑन टू यू, ओके, यू आर नॉट सपोज टू फिट इन टू दैम. एंड इफ यू हैव लाइक एन एस्पिरेशन एक बॉडी टाइप का सो वर्क टूवर्ड्स इट, बट डोंट लाइक बीट योर सेल्फ अप इफ यू आर नॉट एबल टू फिट इन टू योर क्लोथ्स. इट्स ओके, एवरी थिंग इज अ प्रोसेस. तो अगर आप कोई बॉडी शेप में आना चाह रहे हो तो उसमें भी आने में टाइम लगता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर किसी कपड़े में फिट नहीं आ रहे हो तो आप उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर दो अपनी लाइफ में. सो वट एवर यू आर वेयरिंग यू जस्ट हैव टू फील कॉन्फिडेंट इन दैट एंड दैट इट सेल्फ विल बी like it will work like magic for you. So make sure that you are feeling very confident when you're wearing your clothes. Next point is wear makeup. So again I know ye valid bahut zyada ladkiyon ke liye hai but aaj kal bahut sare aapne dekha hoga influencers bhi ladki influencers aage aakar is cheez ko bahut hi promote kar rahe hain that it's okay if you apply makeup even for men. So whether you are a guy or a girl watching this, it's okay if you apply makeup. Makeup is only there to enhance your beauty. मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप नेचुरली आपकी जो स्किन है वो अच्छी होनी चाहिए एंड आप मेकअप को यूज़ करें जस्ट टू एनहांस इट एंड नॉट टू हाइड एनी काइंड ऑफ फ्लॉज और एनीथिंग. बट इवन इफ यू हैव टू समटाइम्स इट्स ओके, लाइक इट पुटिंग ऑन मेकअप इज़ ओके बट जस्ट डोंट ओवर डू इट
and don't like completely change your like face entirely with the makeup that you're putting. Everything should look natural all the time, always, whether it's your clothes, whether it's your personality, whether it's your face, whether it's your makeup, whatever, it should look natural always. The last and my favorite point is smile more. आपने देखा होगा कि मैं हमेशा स्माइल करके बात कर रही होती हूँ, हमेशा हंसते खेलते बात कर रही होती हूँ, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली आर लुकिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव, बिकॉज योर स्माइल इज़ द बेस्ट कर्व दैट यू हैव. तो मेक श्योर कीजिए कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग. इनफैक्ट मेक दिस एज योर हैबिट, चाहे लोग आपको पागल समझे कि आप फालतू में मुस्कुरा रहे हो, इट्स ओके, लाइक जस्ट स्माइल मोर, गेट इन टू दिस हैबिट ऑफ स्माइलिंग मोर, दैट इज योर सुपर पावर, योर स्माइल. सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बिकॉज दैट वे यू फील ग्रेट एंड यू आर एक्चुअली सीन एज अ मोर फ्रेंडली एंड अट्रैक्टिव पर्सन व्हेन यू आर स्माइलिंग. So that is all for all the tips that I wanted to share with you. In the end, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि ये जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आप ये फॉलो करो प्लीज़. बट बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि हम अपने मूड के हिसाब से ड्रेसअप करते हैं. सो कभी कभी ये भी होता है कि आपका आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बट इफ़ यू ड्रेस बेटर यू माइट स्टार्ट फीलिंग बेटर. इनफैक्ट आप जैसे भी आपने आपको ड्रेस कर रहे हैं, मेरे पास ये स्पेक्स हैं और अगर मैं इसको लगा रही हूँ, आई एम फीलिंग डिफरेंट, आई एम फीलिंग लाइक आई हैव टू वर्क, या फिर मेरे को बहुत ही इजी कूल सा वाइब आ रही है. अगर मैं निकाल दी तो मुझे एक अलग वाइब आ रही है. अगर मैं अभी जिम के कपड़े में होती तो मुझे एक अलग वाइब आ रही होती, या फिर अगर मैंने अभी फॉर्मल कपड़े पहने होते तो मुझे अलग फीलिंग आ रही होती. सो बेसिकली पूरी आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, हाउ यू आर ड्रेसिंग एंड हाउ यू आर काइंड ऑफ प्लेइंग विद योर अपीयरेंस. इट्स लाइक द एंड गोल इज टू फील गुड. तो मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का एजेंडा ये है कि आपको बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस समझ आए कि आप जब जैसे दिख रहे होते हैं वो बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज वी आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल एंड जो फर्स्ट चीज़ कोई भी नोटिस करता है वो तुम्हारी अपीयरेंस ही नोटिस करता है. फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा उसी से होता है. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग गुड, फीलिंग कॉन्फिडेंट, एंड whatever flaws that you think that you have, जैसे कि मेरे साथ हुआ था मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, मेरे को मेरे बालों से प्रॉब्लम थी, मेरे को मेरी स्किन से प्रॉब्लम थी, सब चीज़ों से प्रॉब्लम थी. जो चीज़ अच्छी थी मुझे वो भी नहीं अच्छी लगी थी फॉर दैट मैटर, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई इम्प्रूव्ड इट एंड देर इज़ नो हार्म इन दैट एंड देर इज़ नो गिल्ट फीलिंग इन दैट बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग समथिंग बेटर फॉर योर ओन सेल्फ. तो इट इज़ नॉट बींग सेल्फिश, इट इज़ नॉट बींग सुपरफिशियल, इट इज़ ऑल गुड, इट इज़ ऑल कूल, इट इज़ इन फैक्ट गुड दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ. ओके, तो इस अगर आप इस बबल में रहते हैं इन सारे थॉट्स के साथ जो मैंने अभी बोले हैं, तो प्लीज़ इसे बाहर निकलिए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए. जो आपकी जो आपको लगता है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है उस पर काम कीजिए. जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो भी फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही मैं जनरली भी बोल रही हूँ, उस पर आप और ज़्यादा काम कीजिए. सो या बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया इस वीडियो के लिए. सो दैट ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड इट, लाइक्ड इट. इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ यू थिंक इट विल हेल्प देम. एंड दैट इज़ ऑल. इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट इन द कमेंट्स बिलो, सॉरी नॉट चैट. एंटिल देन हैप्पी लुकिंग गुड टू ऑल ऑफ यू. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care and have a good day.